क्या हम लोग गांधी को मानने वाले हैं, हम लोग अम्बेडकर को मानने वाले, हम लोग गोडसे वाले नहीं है। तो लाठी मारा था, हम लोग फूल लेकर आए कि 50 रुपया बचल था चंदा वाला, दू गो फूलवा खरीदेंगे 25-25 रुपया में दे देंगे। कहे कि हम लोग संविधान को बचाना चाहते हैं, अनुच्छेद 315 की जो हत्या हो रही है हम लोग उसको बचाना चाहते हैं। दनादन लाठी बरसाते इन पुलिस वालों को देखिए, देखिए कैसे गद्दी पर बैठे राजा के आदेश पर जेपीएससी के अभ्यर्थियों को अंधाधुन लाठियां बरसा रहे, जैसे ये छात्र नहीं कोई आतंकी संगठन के कार्यकर्ता और मानो भारत में कश्मीर की आजादी के लिए सड़कों पर है। लेकिन मेरा यकीन मानिए झारखंड है और ये तस्वीर रांची से आई है। ये वही सरकार की पुलिस है जिन्होंने चुनाव से पहले ये भाषण दिया था इधर चुनाव जीतूंगा और उधर 5 लाख रोजगार मिलेगा। ये वही सरकार की पुलिस है जिसने कहा था कि हर आदिवासी को पक्के का मकान मिलेगा। बाकी मकान और रोजगार पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उसके बनिस्पत इन्हें ताबड़तोड़ लाठियां मिल रही है और शायद ये खबर हमारे मुख्यमंत्री तक भी पहुंच चुकी है जो रोजगार के नाम पर साड़ी और लुंगी बांट रहे हैं और नियुक्ति के नाम पर लाठियां। बता दें कि 7वीं-10वीं झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की पीटी परीक्षा गड़बड़ी का आंदोलन में अब बीजेपी भी शामिल हो गई है। मंगलवार को बीजेपी के 2 विधायक नवीन जायसवाल और भानु प्रताप शाही की अगुवाई में नाराज अभ्यर्थियों का एक प्रतिमंडल अमिताभ चौधरी से मिला। बाहर आकर बीजेपी विधायकों और नाराज अभ्यर्थियों ने बताया कि जेपीएससी चेयरमैन ने पीटी परीक्षा में अपनी गलती स्वीकार की है। उन्होंने नाराज अभ्यर्थियों से 4 दिन का वक्त मांगा है ताकि वे उनकी शिकायत का लिखित जवाब दे सके। वहीं जेपीएससी चेयरमैन अमिताभ चौधरी ने इसे खारिज कर दिया है। उन्होंने एक दैनिक पत्रिका से कहा कि उन्होंने ऐसी कोई गलती नहीं स्वीकारी है। नाराज अभ्यर्थियों का प्रतिमंडल 1 सप्ताह पहले एक मेमोरेंडम दिया था, जब आयोग ने उनके सभी मुद्दों का जवाब दे दिया तब इन्होंने दूसरा मेमोरेंडम दिया। हम उसका भी जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा एक अन्य मेमोरेंडम इन्होंने दिया है, इसका जवाब देने के लिए हमने 4 दिन का समय मांगा है। 4 दिन में उनके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। वहीं इस फैसले से नाराज अभ्यर्थियों ने जेपीएससी कार्यालय का रुख कर लिया। रास्ते में मोराबादी ओपी के पास उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया, लेकिन आक्रोशित अभ्यर्थियों ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ना चाहा। तानाशाही सरकार की यमराज रूपी पुलिस अपना आपा खो बैठी और दनादन लाठियां बरसाने लगी। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतनी बातों से अलविदा लेंगे और आखिर में बस इतना कहना चाहेंगे कि यही राजनीति वाली सरकार अपने वादे में विफल हुई जिसने कभी कहा था कि मुख्यमंत्री बनते ही पहला कलम 5 लाख नियुक्तियों के नाम होगा मिलने दिया जाए। लेकिन यहाँ छात्र लोग को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है, हाथ को फुला दिया, पीठ को फुला दिया। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे मारा जा रहा है। हम लोग भूखे प्यासे आए हैं सर, हम लोग 10 साल से तैयारी कर रहे हैं सर, 10वां पास के तब से तैयारी कर रहे हैं सर। हम लोग को घुसने दीजिए सर, एग्जाम दे रहे हैं सर। 124 सही करके हमको छाड़ दे रहा है, 115 वाला को पास कर दिया जा रहा है, जो एग्जाम नहीं बैठा उसको भी पास कर दिया जा रहा है। हजारीबाग से आए हुए सर, आप लोग से भी गुजारिश होगा, मीडिया वाले से गुजारिश होगा, हम लोग को बातों को सरकार तक पहुँचाइए। फूल किसको दे रहे हैं? देखिए भैया, हम लोग हजारीबाग से आए हैं, चंदा पैसा करके आए थे, भीख मांगे थे रोडवा, हम लोग निकल के चंदा दीजिए, पैसा दीजिए, जमा हुआ तो भाई बहन हम लोग आए हजारीबाग से आइए रहे थे, यहाँ घुसिए रहे थे कि चचा लोग यहाँ पे थे, पुलिस प्रशासन का आदमी था और बहनिया का पहने मारा, लठिए मारा, भाई वक मारा, देखे होंगे अभी पतला दुबला भाई है छोटे को हमारे मार दिया उसको। उसके बाद यहाँ पर ही तो हम लोग पढ़े लिखे, हम देखिए हम लोग गांधी को मानने वाले हैं, हम लोग अम्बेडकर को मानने वाले, हम लोग गोडसे वाले नहीं है। तो लाठी मारा था, हम लोग फूल लेकर आए कि 50 रुपया बचल था चंदा वाला, दू गो फूलवा खरीदेंगे 25-25 रुपया में दे देंगे। कहे कि हम लोग संविधान को बचाना चाहते हैं, अनुच्छेद 315 की जो हत्या हो रही है हम लोग उसको बचाना चाहते हैं, अन्यथा हम लोग को उग्रवादी, हम लोग को देशद्रोही कह के मार देंगे, हम लोग को माँ बाप लाश नहीं खोज पाएगा। चार्ज की उच्च स्तरीय जांच कराएं, जो भी दोषी पदाधिकारी इसमें शामिल हैं उनके विरुद्ध में कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही कि आज जिन विषयों को लेकर आंदोलन चल रहा है, ये छात्र जिन विषयों को लेकर आंदोलन में, आप सभी लोग अखबारों के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से ये सभी लोग जान रहे हैं कि कई राज्य के कई ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर दर्जनों छात्र लगातार एक ही कमरे से चयन हुआ है। तो चाहिए जेपीएससी को कि कौन कौन ये छात्र हैं उनका नाम उजागर करें कि किन किन छात्रों का, किन किन केंद्रों में कितने सीरियल नंबर रोल नंबर वाले छात्रों का परीक्षा परिणाम में ये सफल हुए हैं। कई जगह आप देखेंगे, पूरे परिणाम को देखेंगे
ये संवैधानिक प्रावधान और सरकारी प्रावधान है कि विकलांगों को 3% आरक्षण देना है। इन दिव्यांगों के लिए कोई जगह नहीं है जेपीसी में। आप विज्ञापन के कंडीशन को देख ले, सरकार की नियमावली को देख दे, तो सरकार की नियमावली और इसका विज्ञापन का जो कंडीशन है दोनों का वायलेशन करके रिजल्ट निकल आ गया। तो ये जेपीएससी का ही कृत्य जो है अनियमितताओं पर संदेह उत्पन्न करता, निश्चित रूप से इन सारी बातों पर इसको जांच करने की आवश्यकता। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि बिहार में जिस कंपनी को, जिस आउटसोर्सिंग कंपनी को ब्लैकलिस्टिंग किया है, उस दागदार कंपनी को यहाँ पर उसी के माध्यम से ये काम कराया गया। तो निश्चित रूप से अगर एक राज्य है उसको ब्लैकलिस्टिंग करती है, दूसरे राज्य में उसको काम मिलता है, तो इस तरह से कई सवाल अपने आप अनियमितताओं की ओर प्रश्न उठते हैं, जिस पर हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि इन जो जेपीएससी के द्वारा जो अनियमितता बरती गई है, सरकार इसको संज्ञान में ले और इसकी निगरानी जांच कराए या सीबीआई जांच कराए। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ ही लोगों ने इस जो आंदोलन की पहल की है, कुछ ही विधायकों ने जिन्होंने जो इस वक्त